चैप्टर इसमें आपसे है। पहला चैप्टर है वन वन्य जीव और जीव संरक्षण, वन वन्य जीव एवं संरक्षण। आप अपना सिलेबस उठा के देखो, उसमें ये टॉपिक है। दूसरा जो चैप्टर है वो है खनिज और ऊर्जा संसाधन। आप देखो ज्योग्राफी में ये दोनों टॉपिक है, कृषि और सिंचाई ज्योग्राफी में दोनों टॉपिक है। राजस्थान की कृषि विपणन ज्योग्राफी का टॉपिक है। राजस्थान में व्यापार है, राजस्थान के प्रमुख शासक हिस्ट्री का टॉपिक। आजादी का आंदोलन, राजस्थान में कैसा आंदोलन चला इसकी चर्चा। आजादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार और संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। ये जो आपके नौ चैप्टर है आपके लिए बहुत बेहतरीन, यहां से आपको कंटेंट जो है मिलने वाला है, डाटा जो है मिलने वाला है। तो अच्छे से रजिस्टर अपने पास रखें, लिखें और याद करें। चलिए करते हैं शुरुआत। अब पहला क्वेश्चन, पहला चैप्टर, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन है। राजस्थान का टोटल जो क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर वन है। तो 10% भाग पर जो है वो क्या है, दसवें भाग पर, यानी 10% भाग पर क्या है, वन है। राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, आप सब जानते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं वो उदयपुर में ही जो है पाए जाते हैं। राजस्थान में सबसे कम वन क्षेत्र कहां पर है, सबसे कम वन जहां है, जहां अभी आप लाइव देख रहे हो, यानी जहां से मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, चूरू डिस्ट्रिक्ट में जो है राजस्थान में सबसे कम वन है। अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखोगे तो चूरू में सबसे कम वन पाए जाते हैं, क्योंकि हम चूरू वाले ना, हमने सब कुछ वनों को काट दिया है, खेतों से खेजड़ी जांटी कीकर काट दी है, हमारे यहाँ कॉलेजें बन गई है। मुझे बचपन में याद है हमारे यहाँ एक बीड़ हुआ करता था, बीड़ यानी छोटा सा जंगल हुआ करता था, और उसमें इतनी ज्यादा पास पास जो हो कीकर लगी थी। कीकर जानते हो आप, पश्चिमी राजस्थान में एक पेड़ होता है कीकर का, खेजड़ी अलग होती है कीकर अलग होती है। तो इतनी ज्यादा पास पास थी वो कि आप दिन में भी जाओगे तो उसमें अंधेरा रहता था, क्योंकि ऊपर से उनकी जो शाखाएं हैं मिल जाती थी, तो दिन में भी उनमें क्या रहता था, अंधेरा रहता था। इसलिए उसका नाम था, अगर कोई यहां तारानगर के आसपास का व्यक्ति है तो वो जानता भी होगा, उसे भूतिया बीड़ कहते थे। भूतिया बीड़, क्या कहते थे उसे, भूतिया बीड़ कहते थे। और आज वहां पर एक पेड़ भी नहीं है, एक पेड़, क्योंकि वहां पर कॉलेज बन गए हैं, वहां पर कॉलोनियां कट गई है ना, तो सब कुछ खत्म होता जा रहा है। कहीं एक तरफ तो हम विकास कर रहे हैं आर्थिक संसाधनों के तौर पर, और दूसरी तरफ हम अपने विनाश को भी आगाज कर रहे हैं। विकास और विनाश दोनों साथ चल रहा है, विकास और विनाश जो है दोनों साथ चल रहा है। तो राजस्थान के अंदर चूरू में सबसे वन कम वन क्षेत्र है, और राजस्थान में वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तीन भागों में, आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। जिस वन क्षेत्र पर सरकार का नियंत्रण होता है कहलाता है आरक्षित वन क्षेत्र कहलाता है। आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर पशु चराने में लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। आरक्षित वन कौन सा होता है, ऐसा वन क्षेत्र जहां पर ना तो आप पशु चरा सकते हैं ना आप लकड़ियां काट सकते हैं और सरकार का उस पर नियंत्रण होता है। दूसरा, राजस्थान की कुल वन क्षेत्र का आरक्षित वन कितना है, तो एक तिहाई जो है आरक्षित वन है। वन क्षेत्र जहां कुछ नियमों के तहत लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है क्या कहलाते हैं, सुरक्षित वन कहलाते हैं। ऐसे वन क्षेत्र जहां पर आप सूखे पेड़ों को काट सकते हैं प्लस अपने पशुओं को चरा सकते हैं, ऐसा जो वन क्षेत्र होता है वो सुरक्षित कहलाता है। यानी आप हरे पौधों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, आप केवल जो है वो पुराने कोई सूखा हुआ पेड़ है उसको काट सकते हैं लकड़ियों के लिए। सरजीत 23 श्याम की दूसरी शिफ्ट का पेपर कठिन था इसलिए नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए, नहीं तो बच्चों के साथ अन्याय होगा। संगीत और विचार, भाई हम भी यही कह रहे हैं कि होना चाहिए, वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और सरकार तय करेगी, अपना काम है तैयारी करना और तैयारी करवाना। हम आपके साथ हैं और हम इस बात का समर्थन भी करते हैं कि हाँ भाई होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के कुल वन क्षेत्रफल का कितना भाग सुरक्षित वन क्षेत्र है, तो 50%। और ऐसा क्षेत्र जहां पशु चराने लकड़ी काटने पर किसी प्रकार का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है वो कहलाता है अवर्गीकृत वन क्षेत्र, है ना। कौन सी पर्वतमाला राजस्थान में को दो भागों में जो है विभाजित करती है, अरावली पर्वतमाला और राजस्थान में
भौगोलिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो तीन भागों में जो है हम वनों को विभाजित कर सकते हैं। उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, एक तो पहला भाग तो हो गया उष्णकटिबंधीय वन, ये राजस्थान में पाए जाते हैं शुष्क और अर्ध शुष्क भाग में, यानी जो आपका थार का मरुस्थली भाग है उसमें ये पाए जाते हैं। जो मरुस्थली थार है उसमें कौन से वन पाए जाते हैं? शुष्क और अर्ध शुष्क वन पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से पेड़ आते हैं इसमें? राजस्थान के शुष्क एवं अर्ध शुष्क भाग में कौन से जिले आते हैं? तो बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और जालौर। राजस्थान के शुष्क अर्ध शुष्क भाग में कौन से वन पाए जाते हैं? तो रोहिड़ा। क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? अगर एग्जामिनर कठिन क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा वृक्ष, निम्न में से कौन सा वृक्ष शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश का नहीं है? कौन सा वन या कौन सा वृक्ष शुष्क व अर्ध शुष्क प्रदेश का नहीं है? ऑप्शन आ जाएगा आपके पास रोहिड़ा, ढोकड़ा, केर और एक नाम दे देंगे सागवान। तो आपको पता रहना चाहिए कि सागवान जो है वो शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेश का नहीं है। बाकी रोहिड़ा, खेजड़ी, डोकला, बेर, बबूल, केर, नीम, ये सब क्या है? अर्ध शुष्क प्रदेश के हैं, जो कि पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष है, राजस्थान का कल्प वृक्ष जो है वो कौन सा है? खेजड़ी है। लेकिन यही एक और क्वेश्चन मैंने आपको ज्योग्राफी वाली क्लास में पढ़ाया था, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन सा है बताओ कमेंट करके, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन सा है ये बताओ। तो हमने आपको पढ़ाया था महुआ का वृक्ष, जो कि राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के अंदर जो आदिवासी रहते हैं उनका ये कल्प वृक्ष है महुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर कि राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल का कल्प वृक्ष तो खेजड़ी है, लेकिन राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग के आदिवासियों का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो आप बताएंगे महुए का वृक्ष या महुए का पेड़। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा है। सेवन घास पाई जाती है जैसलमेर में, मैंने आपको जब भूगोल में हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जैसलमेर के अंदर जो है एक आंतरिक जल पट्टी है जहां पर क्या है, सेवन घास पाई जाती है। कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन ये दूसरे प्रकार के पेड़ हैं, और अन्य किस नाम से जाना जाता है इन्हें? मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन कहां पाए जाते हैं? तो ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा राजस्थान के पूर्वी भाग में और मध्य भाग में, राजस्थान के पूर्वी व मध्य भाग में कौन से प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो यहां पर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन जो है पाए जाते हैं। महुआ की शराब बनती है? बिल्कुल बनती है, शराब बना के आदिवासी पीते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम और शीशम। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पहाड़ी व ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा अरावली पर्वत वाला में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? तो अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं
सदाबहार वन होते हैं, कैसे होते हैं ये, अर्ध उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। और राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तीन है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, भरतपुर में है ये। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य में मुख्य प्रजाति कौन सी पाई जाती है, तो साइबेरियन क्रेन पाए जाते हैं, बगुला, बया, कोयल और बटेर। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ये स्वाई माधोपुर में स्थित है। और राजस्थान का कौन सा अभयारण्य भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ही भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से वन जीव पाए जाते हैं, कौन कौन से वन्य जीव, तो बाघ, भालू, सांभर, नीलगाय और मगरमच्छ। मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, मुकुंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहां स्थित है, तो ये है आपका कोटा और चित्तौड़गढ़ में। अभयारण्य शब्द का अर्थ होता है, अभयारण्य शब्द जो होता है, अभयारण्य अर्थात ऐसा स्थान जहां किसी प्रकार के भय के बिना आप विचरण कर सकते हैं, वो अभयारण्य कहलाता है। भय मुक्त वन और राष्ट्रीय मरु उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य स्थित है जैसलमेर बाड़मेर में। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से वन्य जीव पाए जाते हैं, तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में गोडावन, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय पाए जाते हैं। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, केला देवी जो है वो स्वाई माधोपुर और करौली में जो है वो स्थित है। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है राजसमंद, पाली और उदयपुर में। ये एक एक लाइन आपके लिए क्वेश्चन है, आप कोचिंग में जाकर या किसी गाइड के माध्यम से जो पूरा पेरा पढ़ते हैं ना, गुरु जी आपको तीन चार पेज का नोट्स लिखाते हैं वन्य और वन्य जीव अभयारण्य। ये टॉपिक है आपका रीट की मुख्य परीक्षा के भूगोल के सिलेबस में, देखिएगा ये टॉपिक है। और इस टॉपिक के लिए आपसे दो तीन पेज भरवाएंगे और फिर आप उन पेजों को पढ़ेंगे, याद करेंगे। ये वो सारे क्वेश्चन है जो उन पेजों में आपको मिलेंगे, उनसे ज्यादा ही क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। तो आप चाहे किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आप चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, किस भी माध्यम से पढ़ रहे हो, लेकिन आपसे बस छोटा सा ये निवेदन कह लीजिए या आपके लिए सलाह कह लीजिए कि आप कुछ भी पढ़ो जाए। हम ये नहीं कह रहे कि आप गाइड मत पढ़ो, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप कोचिंग में मत जाओ। आप कोचिंग में पढ़ रहे हो जाओ, गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं कोचिंग वाले वो पढ़ो, याद करो, लेकिन दो घंटे डेली का निकाल के इन सारे बुकों को पढ़ो, आप इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ो, बुक नहीं पढ़ी जा रही है तो ये आपके लिए गेम चेंजर साबित होंगे और इनसे आपको बेनिफिट होगा बहुत ज्यादा। फुलवारी किनाल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है उदयपुर में, फुलवारी किनाल। और सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहां, अलवर में। और टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कहां, राजसमंद अजमेर पाली में। और सीता माता वन्य जीव अभयारण्य स्थित है प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ उदयपुर में। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य स्थित है सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में स्थित है, याद रखना। और माउंट आबू के अंदर जंगली मुर्गे बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है माउंट आबू के, याद आ रहा है मुझे, ऐसा कुछ है क्या बताओ कमेंट करके। बुक का क्या करोगे, ये बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन। एक तो बच्चा ऐसा है जो कमेंट कर रहा है कि सर आप हमें पीडीएफ नोट्स दो और मेरे व्हाट्सएप पर भेजो, आप चाहे मुझसे पैसे ले लो, भेजना है तो व्हाट्सएप पर भेजा, मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया। बुक नहीं निकाली है हमने, हालांकि एक बार बीच में सोचा था कि बुक निकालें, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि पिछली बार 2021 में हम सारी पीडीएफ दे चुके हैं और बुक निकालने में बहुत सारा झंझट होता है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ते हैं, बुक छपानी पड़ती है, इसे जब वो पीडीएफ देंगे, जिन बच्चों को इनका महत्व पता होगा वो टेलीग्राम पे जाएंगे चुपचाप, क्योंकि जो बच्चे ध्यान से सेशन देखते हैं उनको पता है कि कैसे पीडीएफ डाउनलोड होती है। टेलीग्राम पे जाओ, पीडीएफ डाउनलोड करो और पढ़ो। प्रिंट निकलवा लो फट से, अगर आप लैपटॉप से नहीं पढ़ सकते हैं तो ई मित्र पे जाएंगे, 50 पैसे लेगा एक प्रिंट के और प्रिंट निकाल देगा, और हम आपसे कोई पैसे लेंगे नहीं, हम आपको सब कुछ दे रहे हैं निःशुल्क। आपकी देखो आपकी क्षमता है अगर पढ़ने की तो आप पढ़ सकते हो, बाकी हम आपकी आपसे किसी प्रकार का शुल्क नहीं ले रहे हैं, आप जितना चाहो उतना पढ़ो। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, लेकिन कोई बच्चा ये कहता है ना कि मैं पैसे दूंगा और मुझे व्हाट्सएप पर भेजो, तो थोड़ा क्या है कि दिल में अच्छा नहीं लगता है कि यार हर चीज पैसे में बिकाऊ थोड़ी होती है, हर चीज पैसे में बिकती है क्या,
नहीं बिकती है। तो चाहे पैसे का कोई कहेगा ना कि ऐसे मान लो आप रिक्वेस्ट कर लो, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं खास तौर पर जो हमने छूट दे रखी है कि जितने भी हमारे आर्मी पर्सन है, जितने भी कोई ऐसी महिला है जो विधवा है जो नहीं जानती है, हमने उनको कह रखा है कि आप कॉल करो आराम से, कहो कि सर हमें तो नहीं पता है कैसे टेलीग्राम डाउनलोड करते हैं, हम आपको भेजेंगे। और हम भेजे हैं कई हजारों बच्चों को, हमने उनके व्हाट्सएप पर भी पीडीएफ भेजा है। लेकिन कोई ऐसे रोब करता है ना पैसे की, पैसे का, तो फिर क्या अच्छा नहीं लगता। फिर तो चाहे वो पैसा दे दे कितना भी, फिर भी उसको पीडीएफ तो नहीं मिलेगी, व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी, टेलीग्राम से डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसका तो यही तरीका है, रिक्वेस्ट करोगे तो जान भी आ जाए आपके लिए, और रोब करोगे तो फिर कुछ नहीं है। ऐसे सारे बच्चे नहीं है, एक आधा बच्चा आता है ऐसा बहुत दिनों के बाद, पिछली बार भी था, 2021 में भी था। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य में मुख्य रूप से पाया जाता है जंगली मुर्गा। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है बूंदी में। जम्मू और रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है जयपुर में। और राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य स्थित है कोटा स्वाई माधोपुर करौली धौलपुर में। जवाहर सागर अभयारण्य स्थित है कोटा बूंदी और चित्तौड़गढ़ में। बंद बोरठा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है भरतपुर में। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है चित्तौड़गढ़ में। स्वाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य है स्वाई माधोपुर में। और वन विहार वन्य जीव अभयारण्य स्थित है केरल बाग वन्य जीव अभयारण्य है धौलपुर में। कौन सा? वन विहार और केसर बाग। अब ये सारी चीज ऐसी है कि जिनको आप आसानी से याद कर सकते हो, बस आप प्रिंट निकाल के अपने पास रखो, रोज पढ़ते रहो, है ना, आपको कोई पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य और सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य स्थित है उदयपुर में। हमने एक एक लाइन के क्वेश्चन बनाए हैं, हमने एक एक लाइन के क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आपके पास, आप जाके मार्केट से ला सकते हैं, आप मार्केट में बुक वाले को कहेंगे कि एनसीईआरटी में जो बुक लगती है हमारा राजस्थान वो दे, तो वो आपको देगा। और आप उसको देखना घर पे लाके, और फिर जो है वो क्लास का कोई सेशन चलाना या पीडीएफ डाउनलोड करना, और फिर मिलाना आप। हमने लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना दिया आपके लिए, बस इतना अंतर आया कि पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े आपको, सरल कर दिया है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन आप मिला के देख लो कोई भी चैप्टर का। नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जयपुर में, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारा में, ताल छापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू में। राजस्थान के कौन से वन्य जीव अभयारण्य बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल है? तो रणथंभौर है, सरिस्का है और मुकुंदरा हिल्स है। इन तीनों को जो है आप अच्छे से याद जो है रखना, रणथ, सरिस्का और मुकुंदरा, ठीक है, मुकुंदरा रणथंभौर से सरिस्का, है ना, याद रखना, कैसे भी याद कर लेना। राजस्थान में स्थित वेटलैंड, वेटलैंड कौन सा होता है? दलदली भूमि, वेटलैंड, दलदली भूमि। राजस्थान में वेटलैंड स्थल कौन सा है? केला देवी राष्ट्रीय उद्यान और सांबर झील। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, रामसर, रामसर साइट, है ना। ये एक दलदली भूमि होती है, दलदली भूमि, जिसमें क्या रहते हैं, कुछ पक्षी आके जो है रहते हैं, जिन्हें रामसर साइट कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा 1952 में, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भूभाग का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है होना चाहिए? तो कोई भी जो राज्य होता है उसका जो टोटल वन क्षेत्र, टोटल क्षेत्रफल है, उस टोटल क्षेत्रफल के 33% भाग पर राजस्थान के जैसे कोई भी राज्य है उसके टोटल टोटल जो क्षेत्रफल है उसके 33% पर जो है वो क्या होने चाहिए, वन होने चाहिए, ऐसा कहा है, लेकिन है नहीं अभी। राजस्थान राज्य की वन नीति की घोषणा 2010 में हुई थी, ये नई वन नीति है। वन नीति 2010 का लक्ष्य रखा गया था कि भूभाग पर 20% भाग पर हमें क्या करना है, वन लगाने हैं, वन सेट करने हैं। यहाँ पर वर्तमान में राजस्थान में कितना प्रतिशत भूभाग वनाच्छादित है? 10%। और काजरी कहां स्थित है? जोधपुर में, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था। आफरी कहां स्थित है? जोधपुर में, याद रखना। कातरी, हालांकि यहां काजरी शब्द है याद रखना, लेकिन मैं इसको याद करवा रहा हूं कि काचरी, और काचरी ज्यादा खा गया, काचरी की चटनी बने, काचर होने, काचर, काचर ने सुखागे और काचरी बनाई जाए। अपने के पश्चिमी राजस्थान में एक राज्य छोटा काकड़िया होनी, काकड़िया, काकड़िया जानते हो आप, खेत में काकड़िया लागे, मतीरिया काकड़िया, तो छोटा जगह काकड़िया हो, बाने काट के धूप में सुखा दे,
और फिर जब वे बिल्कुल सूख जाए है तो वह न थोड़े सो ऊंखली में रगड़ गए और वह काचरी बनाई जाए, और वह काचरी की बनाई जाए मिर्च, खाने में बड़ा स्वाद आएगा। आप कभी ये पिज्जा वगैरह खाते होंगे ना, पिज्जा खाए हो तो आपको पता चलेगा। लेकिन आप का बाजरे की रोटी करवाना घर पे, है ना, अगर आपकी दादी या माँ कर सक दादी तो कर सकती है, लेकिन माँ भी कर सकती है, लेकिन आपके शायद पत्नी कर पाए ना कर पाए मुझे पता नहीं। बाजरे की रोटी वो भी चूल्हे पे बाजरे की रोटी करवाने के बाद उसको खीरे होते ना, खीरे अंगारे होते, उसके ऊपर रख देना, उसमें घी डाल देना, और घी डाल के उसमें थोड़े चम्मच से खड्डे कर देना, सारी रोटी पे घी डालना, चम्मच से खड्डे करना, और उसके ऊपर फिर वो काचरी की मिर्च पूरी जो है वो फैला देना, और फिर उसको निकाल के चूल्हे से बाहर और फिर खाना। आप जिंदगी में पिज्जे बर्गर को याद नहीं करोगे, पिज्जे बर्गर को क्या नहीं करोगे, आप याद भी नहीं करोगे। एक सेकंड रुकना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो काचरी की मिर्च खाया, और अगर काचरी की मिर्च आप ज्यादा खा जावा, अब आप ये मत कह देना कि सर काचरी की मिर्च खाने चले गए थे क्या, आपके कॉल आ जाते हैं, है ना। तो काचरी की मिर्च ज्यादा खा लेगा तो क्या आ जाओ, आफ्रो आ जाओ। और काचरी की मिर्च कटा हुआ है आपने पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर में, तो जोधपुर में काचरी और बैठी आफरी, काचरी आफरी याद रख लेना इसे। खेजड़ली कांड कब हुआ था, 12 सितंबर 1730 में हुआ था। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में कितने स्त्री पुरुषों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था, 363, और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला भरता है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को। यह याद रखियो ना, देखो भादवे की शुक्ल दशमी ने वृक्ष मेलो भर है, ठीक है, बाद में पेपर में याद आ जाएगा आपको। दूसरा चैप्टर है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन को देखते हैं, किन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है कहलाते हैं, जिन जिन शब्द होता है यहाँ पर, जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है धात्वी कहलाएंगे, और जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती है वो अधात्वी कहलाएंगे। जिन खनिजों में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा खनिज, और जिन खनिजों में एकाधिकार होता है किसी का, यानी राजस्थान का एकाधिकार किस में, अच्छा क्वेश्चन है। वोलिस्टोनाइट, जस्पर, सीसा और जस्ता, इसमें राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में कहां जस्ता शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है, देबारी उदयपुर में। राजस्थान में कहां सीसा जस्ता शोधन संयंत्र स्थापित किया गया है, चंदेरी या चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद में। और राजस्थान में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर और सीकर में। खेतड़ी तो कहां स्थित है, झुंझुनू में स्थित है, ठीक है, खेतड़ी, झुंझुनू और अलवर सीकर में। लोहा आयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर, सीकर, झुंझुनू में। और चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर के राजसमंद में।
या उदयपुर राजसमंद में। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर में। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर, जैसलमेर और बांसवाड़ा, जयपुर में। अभ्रक का उत्पादन करने वाले जिले हैं भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर। और वोलस्टोनाइट का उत्पादन करने वाला जिला है सिरोही और अजमेर। वह खनिज जिसका उपयोग कागज बनाने में और लघु उद्योग में किया जाता है वोलस्टोनाइट है। वह खनिज जिसका उपयोग विद्युत उद्योग और सजावट में किया जाता है अभ्रक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तब तक मैं एक बार आपके कमेंट देखाता हूं। सर ये सर जी शायद 17 सितंबर क्या कह रहे हो भाई, गोकुल सैनी कह रहा है कि मेरी पत्नी तो मेरी चटनी बना ताकि बोल लगा तो। गोकुल कह रहा है कि अगर मैं मेरी पत्नी ने कह दूं करामारी आज आपने मिर्च की चटनी बना ले तो बा कह दे डट जाओ थारी चटनी बनाऊंगी मैं। आ कहना चाहो भाई गोकुल सैनी, तो ऐसा नहीं है, आप पत्नी को बदनाम करते हो, ऐसा कुछ नहीं कहती है बेचारी पत्नी। पत्नी सारा घर का काम करती है, सब कुछ संभालती है। घर में अगर महिला ना हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बहन हो, अगर घर में महिला नहीं होती है देखो तो वो घर घर नहीं होता है, वो बस चार दीवारी होती है, केवल चार दीवारी होती है। मैं बताता हूँ, हम हॉस्टल में रहा करते थे तो हमारा जीवन कैसा था, यानी हॉस्टल में हम 2 साल में रहा था, हमने कभी रजाई नहीं सामती, नहीं रजाई समेट के रख देते हैं अपन। जनरली घर में हमारी माता बहिने पत्नी जो होती है वो क्या करती है, जैसे ही गर्मियां चली जाएगी ना तो कूलर पंखे कूलर वगैरह सब रख देंगे, सर्दी आते ही रजाई निकाल लेंगे, गर्मी आते ही रजाई को ऊपर रख देंगे। लेकिन हम 2 साल रहे, हमने कभी रजाई समेटी भी नहीं, समेटी रखना तो अलग बात है, समेटा नहीं, कभी हमने अपना जो वो चादर होती है उसको बदला नहीं। हमारा याद है तकिया जो होता था, तकिया पिल्लो जिस पे दीवार अपन सर रखते हैं वो काला हो जाता था। हम जो जो जूतों में जुराब पहनते हैं वो हम धोते नहीं थे तब तक कि वो दीवार के चिपक नहीं जाते थे, और झाड़ू कौन निकालेगा इसकी लड़ाई होती थी। तो घर में अगर पुरुष चाहे कितने भी हो, महिला नहीं है तो वो घर घर नहीं होता है, क्योंकि महिला घर को सहेज के रखती है, मैनेज करके रखती है। जैसे पुरुष धन को कहां से लाना है, पैसे कहां से लाना है, कैसे कमाना है, उसको मैनेज करता है, वैसे ही महिला घर को मैनेज कर सकती है। देखो महिला चाहे तो जॉब करके पैसे कमा के ला सकती है, लेकिन पुरुष जो है घर को मैनेज नहीं कर सकता है। पुरुष चाहे कितना भी जोर लगा ले, लेकिन वो जितना एक बेहतरीन तरीके से महिलाएं घर को मैनेज करके रख सकती है, वैसे पुरुष नहीं रख सकता है। तो ऐसा नहीं है कि चटनी बना देगी आपकी, और चटनी बनाएगी तो भी वही खाएगी, है ना, आपको क्या लॉस है। तो चटनी बना देना यानी पीट देना, बाद में भुड़ा लेना, खाने का अर्थ क्या भुड़ा लेना, कोई बात नहीं, शानो में काम कर गया ही तावड़ी में थक गई गए मन्ना आगे गुस्सो थे दो फरे मैं चटनी बनाओ, ये पहले 2 मिनट रेस्ट तो कर दो, सामने बनाई देसांगे और थारे में 2-4 ज्यादा मार दी कोई बात को नहीं गए, एक बार हेलो राजी हो जाओगे, हेलो इतने में आप राजी हो जाओगे। तो ये तो चटनी बनाना ये तो घर परिवार में क्या होता है, चलता ही रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा में। सीमेंट बनाने में उपयोगी खनिज कौन सा है, चूना पत्थर। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर में। ग्रेनाइट उत्पादन जिला कौन सा है, जालोर में ग्रेनाइट होता है, याद रखना, जैसलमेर में ग्रेनाइट होता है, पाली सिरोही में भी ग्रेनाइट होता है। नेक्स्ट देखिएगा, ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से है, कोयला, खनिज, तेल और प्राकृतिक गैस। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन से हैं, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। राजस्थान में कौन सा स्थान, कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है, तो लिग्नाइट पाया जाता है। लिग्नाइट दूसरे किस्म का कोयला होता है, थोड़ा सा निम्न किस्म का होता है, सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट और सबसे बेकार होता है पीट। पढ़ा है आपने अच्छे से। राजस्थान में कोयले का उत्पादन होता है पलाना, बरसिंग सर, बीकानेर, कपूरडी, बाड़मेर,
देखो पलाना और बरसिंग सर ये दोनों कहाँ है, बीकानेर में स्थित है, कपूरडी बाड़मेर में स्थित है और मेड़ता रोड नागौर में स्थित है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ गंगानगर छापड़ा 12 विद्युत संयंत्र किस पर आधारित है, कोयले पर। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार पाए जाते हैं जैसलमेर बाड़मेर सांचौर बीकानेर नागौर बेसिन में। राजस्थान में गैस के भंडार पाए जाते हैं घोटारू कमलीताल तनोट मनिहारी टीबा रामगढ़ राजेश्वरी और डांडेवाला में। राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र कौन से हैं, तो सादेवाला जैसलमेर। सादेवाला कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। बागेवाला बीकानेर में स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा लिया जाता है राजस्थान का प्रमुख तेल क्षेत्र सादेवाला कहाँ स्थित है। अब दिमाग में पेपर में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि बीकानेर करें कि बाड़मेर करें कि जैसलमेर करें। सादे लोग कहाँ पाए जाते हैं, सादे यानी सीधे सादे लोग, सीधे सादे लोग कहाँ पाए जाते हैं बताओ। जैसलमेर के जो लोग हैं वो बड़े सीधे सादे हैं, है ना, सीधे सादे लोग। तो सीधे सादे लोग पाए जाते हैं जैसलमेर, तो सादे वाला जैसलमेर में। और बागे वाला बागे वाला और बासे बीकानेर, तो बागे वाला बीकानेर में। और ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में। ऐश्वर्या और मंगला कहाँ गई, बाड़मेर चली गई। ऐसे याद कर लो, कैसे भी याद कर लो। जैसलमेर का रामगढ़ और बारा में अंता विद्युत ग्रह किस पर आधारित है, गैस पर आधारित है। राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा के संयंत्र। देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है कहां, तारापुरा महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका कृषि और सिंचाई, यह भी आपके रीट L1 L2 मुख्य परीक्षा के सिलेबस का ही पार्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। खाद्यान्न फसल गेहूं जो ज्वार बाजरा सॉरी गेहूं जो ज्वार मक्का और चावल, ये खाद्यान्न दाल खाद्यान्न में आती है। व्यापारिक फसलों में गन्ना कपास तंबाकू तिलहन। राजस्थान में मक्का मेवाड़ का प्रसिद्ध है, मेवाड़ क्षेत्र में मक्के का उत्पादन होता है, हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था, आपको पढ़ाया था। राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र है भीलवाड़ा उदयपुर बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। किस फसल के उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है, तो बाजरे के उत्पादन में राजस्थान क्या है, प्रथम स्थान पर जो है वो रहता है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, तो कुएं और नलकूप से होती है। और कहां होती है, तो जयपुर में होती है, ये भी याद रखना, जयपुर में। और वाटरमैन के नाम से जाने जाते हैं राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह को किस नाम से जाना जाता है, वाटरमैन। किस नाम से जाना जाता है राजेंद्र सिंह को, वाटरमैन के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कृषि विपणन, देखिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी 1974 में। और राजस्थान में जीरे का सर्वाधिक प्रसिद्ध मंडी है कौन सा, जोधपुर। जीरा मंडी बहुत बार पूछा गया है आपसे, जीरा मंडी कहां स्थित है, जोधपुर में, याद रखना ये। राजस्थान में धनिया और मेथी के लिए प्रसिद्ध है रामगंज मंडी कोटा, याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और सरकार किसानों से अनाज किस मूल्य पर खरीदती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एनएसपी। तो एमएसपी होता है क्या, एन नहीं होता, एम होता है ना, न्यूनतम, न्यूनतम ही है, सही है, मिनिमम एमएसपी। तो ये आपके कितने चैप्टर हो गए आज, 4 चैप्टर हो गए, 5 से करेंगे कल, 5 से क्या करेंगे, कल करेंगे। आशा करता हूं कि चीजें आपको समझ में आ रही है और ये चीजें सीरियस लेने वाली चीजें हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूं, जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं, आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं पढ़ो, आप कोई भी राइटर की गाइड पढ़ रहे हैं पढ़ो, आप जो भी पढ़ रहे हैं जहां भी पढ़ रहे हैं जैसे भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 घंटे नियम बना लो कि मैं कितने भी घंटे पढ़ रहा हूं, आप 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, जितने भी घंटे पढ़ रहे हैं उनमें से 2 घंटे आप क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे ओल्ड और न्यू आरबीएससी। बस इतना नियम बना लिया, आपकी सफलता सुनिश्चित। अभी के लिए बस इतना।